नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई पश्चिम के सन सिटी ग्राउंड में उपस्थित हैं। बता दें कल यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होना है, ऐसे में यहां पर तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों में शुरू है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे पुख्ता पुलिस की तैनाती है। CRPF हो, पुलिस हो, कॉन्स्टेबल्स हो या फिर ट्रैफिक संबंधी जो पुलिस हो, यातायात संबंधी किस तरीके से नियम पालन करना है उसको लेकर सब कुछ यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर तैयारियाँ आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग दीर्घाएँ बनाई गई है कि कहां पर जनता बैठने वाली है और वहां से बैठकर जनता संबोधन सुनने वाली है गृह मंत्री अमित शाह जी का। इसी के साथ में पत्रकार दीर्घा कहां होने वाला है और हेलीपैड कहां कुछ होने वाला है, क्या कुछ व्यवस्थाएं होने वाली है, बातचीत करते हैं। यहां पर हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता अगर हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे महेंद्र जी। कल अमित शाह यहां पर आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। पालघर लोकसभा के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा वो भारी वोटों से जीत रहे हैं। उनका जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए यहाँ पे सभा हो रही है और अमित शाह जी हमारा हौसला बुलंद करने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए और गत दस वर्षों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ काम लोगों को बताने के लिए वो आ रहे हैं। इसके लिए पूरे वसई विरार के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम लोग उत्साहित होकर यहाँ पे बहुत तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कुछ तैयारियाँ हैं? हेलीपैड कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर उतरने वाले हैं, उसके बाद यहाँ कब तक पहुँचने वाले हैं, दीर्घाएँ किस तरह से बनी हुई है, ये सारी जानकारी दर्शकों को। यहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर उतरने वाले हैं। सबसे पहले हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, वो विरार में जीवदानी हेलीपैड पर उतरेंगे। और जो मीडियाकर्मी है उनका भी हेलीकॉप्टर आने वाला है, उनके लिए 14 हेलीपैड बनाया जा रहा है, इसकी तैयारी चालू है। 4 हेलीकॉप्टर उतरे गए, 2000 के ऊपर यहाँ पे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, SPG हो, CRPF हो, अलग अलग सुरक्षा एजेंसी यहाँ पे 15 दिन से काम कर रहे हैं। हम लोग मिल के एक कार्यक्रम यशस्वी होने के लिए उनके साथ लगे हुए हैं। अमित शाह जी जहाँ उतरने वाले वो हेलीपैड कहाँ पर है? यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पर बगल में बना यहाँ से 250 मीटर पे दूरी पे वो हेलीपैड। अच्छा, और इसके साथ में यहाँ पर कितने लोग बैठकर उन्हें सुन पाएंगे, क्या व्यवस्थाएं, कुर्सियाँ जो है कितनी है? हमें अनुमान है कि 20,000 लोग यहाँ पे आएंगे और उनका भाषण सुनेंगे और हमने उस तरह से तैयारी की गई है। लोग अलग अलग जगह से ना आएगा, विरार वसई हो, थोड़े बहुत लोग पालघर से आएंगे और सभी लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पे भारी मात्रा में आने वाले हैं। लोग उनको चाहते हैं, इसके लिए बहुत मात्रा में यहाँ पे सुनने के लिए आएंगे। कितना कुछ असर डालेगा अमित शाह का ये सभा करना? इस पालघर लोकसभा के ऊपर इस चुनावी रैली का बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, हमारा हौसला बुलंद होगा। आम नागरिक भी भारतीय जनता पार्टी की जो नज़र से देख रहे थे वो अभी अलग नज़र से देख रहे हैं। वसई विरार में कुछ अलग चेंज करेंगे हम लोग, ऐसा अभी आम नागरिकों को भी लगने लगा है, मतदाताओं को भी लगने लगा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग यहाँ पे करना चाहती है, लोगों के लिए करना चाहती है। उनके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह भी हमारे साथ है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस वो भी हमारे साथ है। इसके लिए हमारा हौसला बुलाने, हमारे साथ यह संगठन और मजबूत करवाने के लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। जीत का कितना दावा? 100% हम लोग जीत के आने वाले हैं। ये सीट हमारी थी राम नाईक जी के साथ, जनता बन वनगा के साथ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग अभी प्रचार में देख रहे हैं कि लोगों को कमल चाहिए, लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम पसंद है और भारी मात्रा में लोग मोदी जी को चुन के आने के लिए तैयार हैं। चूँकि ये उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र है, नाला सुपरा वसई विरार तो ये उत्तर भारतीय बाहुल्य है और यहाँ पर चूँकि हिंदी भाषियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से और हिंदी भाषी लोग पारंपरिक भाजपा के वोटर हैं, हर हिंदी भाषी प्रांतों में आप देखिए भाजपा का परचम लहराया है और चूँकि उत्तर भारतीय वोटर पारंपरिक रूप से भाजपा का वोटर है, इसलिए हमको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रशासन आपको मिलेगा। तो आप तक ये सारी डिटेल हमने पहुंचाने की कोशिश की कि कल की व्यवस्थाएं कैसे होनी है यहाँ पर और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां शुरू है। बता दें यहाँ पर SPG, CRPF और पुलिस के तमाम यहाँ पर जवान जो हैं वो तैनात हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि अब कल की ये सभा कितना रंग लाती है भाजपा के उम्मीदवार के लिए ये देखना होगा, लेकिन अभी यहाँ पर तैयारी लगभग पूरी हो चली है।